नमस्कार। हैदराबाद शहर में जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग ऑपरेशन मुस्कान और ऑपरेशन स्माइल एक स्पेशल ड्राइव हर साल दो बार करते हैं। हैदराबाद शहर में ही नहीं, हमारे पूरे तेलंगाना स्टेट में हमारे गवर्नमेंट का एक कमिटमेंट है, खास करके उनके लिए जो कमजोर हैं, जो गरीब हैं, जिनके ऊपर किसी का प्रोटेक्शन शायद उतना अच्छा नहीं है। और इस कैटेगरी में सबसे पहले हमारे छोटे छोटे बच्चे आते हैं। पिछले 5 साल से जो एक्सरसाइज हमारे गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव लिया गया है, उसके तहत अभी तक 4,624 बच्चों का रेस्क्यू हुआ। और इस बार ऑपरेशन मुस्कान 5 जो कि जुलाई मंथ 1 तारीख को शुरू हुआ, और इस ऑपरेशन के तहत हमारे सिटी पुलिस में 17 टीम्स हेडेड बाय सब इंस्पेक्टर रैंक ऑफिसर्स, वो पूरे 1 महीने 24 आवर्स वो लोग मेहनत किए। और इस 1 महीने के ऑपरेशन में 445 चिल्ड्रेन बच्चों का रेस्क्यू हुआ, जिसमें 407 लड़के हैं और 38 लड़कियां हैं। 51 बॉयज को सईदाबाद में जो रेस्क्यू होम है वहां भेजा गया, और 13 गर्ल्स लड़कियों को निम्बोली गड्ढा में जो रेस्क्यू होम है वहां भेजा गया। 356 बॉयज और 25 गर्ल्स को उनके पेरेंट्स को वापस उनकी जिम्मेवारी दी गई, और 429 बच्चों को ऑपरेशन स्माइल जो कि जनवरी में हुआ था उसके तहत रेस्क्यू किया गया था। तो टोटल अभी तक इस साल 874 इज द फिगर। इसमें अभी तक 7 केसेस भी बुक हुए हैं, जिसमें कि ऑटो मैकेनिक, बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर, एक्वेरियम शॉप ओनर, मैचिंग सेंटर, बैंगल शॉप ओनर, चिकन सेंटर, इन लोग के खिलाफ केस बुक हुआ। चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ये केस बुक हुआ है। और अब जहां तक फाइन का सवाल है, तो अभी तक 18,70,000 रुपए से ज्यादा का फाइन कलेक्ट हुआ। आप लोगों को मालूम होगा कि ऐसे मौके में हमारे ऊपर ज्यादा जिम्मेवारी बनती है कि खास करके ऐसे बच्चे जो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से आपके ग्रुप से आते हैं, उनके प्रति आपकी और हमारी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है ज्यादा ध्यान देने के लिए। और ऐसे में 6 एससी चिल्ड्रेन और 3 एसटी चिल्ड्रेन, उसके अलावा 31 चिल्ड्रेन को रेसिडेंशियल स्कूल में भी एडमिट कराया गया है। इसके साथ जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस तरीके का स्कूल यूनिफॉर्म, स्कूल बैग्स, बुक्स, स्टेशनरी, ये सब भी उन लोग को दिया गया। तो आजकल ये जो पूरा एफर्ट हुआ है, इसमें मैं खास करके मीडिया से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग इस तरह का जहां भी एक्टिविटीज रिपोर्ट हो, आप उनको लोकल पुलिस स्टेशन को बताएं। जो बहुत सारे वर्क प्लेसेस में बच्चे मिले हैं, उनमें बाइक मैकेनिक, क्लॉथ शॉप ओनर, होटल सर्वर, वेटर, जनरल स्टोर्स, बैग मेकिंग, कोल्ड स्टोरेज, गोल्ड शॉप, ऑटो वर्क्स, स्पेयर पार्ट्स, बैंगल्स, पेंटिंग शॉप, स्टेशनरी शॉप, और इस तरह के बहुत से लोगों, बहुत से जगह में वो लोग एक्टिविटीज कर रहे थे। तो ये हमारा और आपका एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज इस मौके पे खास करके हम ये पूरे हमारे सिटी पुलिस के जो टीम है, 17 मेंबर्स जो हमारे सब इंस्पेक्टर्स हैं, उनको, उनके लीडर, उनको पूरे शहर के तरफ से, इन सब बच्चों के तरफ से, इनके पेरेंट्स के तरफ से और पूरे गवर्नमेंट के तरफ से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम। थैंक यू सर। एज यू आर ऑल अवेयर, ट्वाइस इन अ ईयर ऑपरेशन स्माइल एंड ऑपरेशन मुस्कान हैपेंस इन द मंथ ऑफ जनवरी एंड जुलाई। दिस इज अ ऑपरेशन, दिस इज डन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स सेंटर एंड थ्रू आउट द कंट्री दिस ऑपरेशन इज डन। हैदराबाद सिटी इन दिस ईयर, दैट इज इंक्लूडिंग ऑपरेशन स्माइल एंड मुस्कान,
Total 872 children were rescued. The aim of this operation is that children should not be used for child labor, begging or any other activity, and they should actually be rescued, and then they should not go back again to such professions. In this July month, we have rescued 445 children. The children are working in different types of places. Most of the children are working, are unskilled, used as unskilled laborers. They work in shops, kirana shop, hotel, dhaba, mechanic shop, because it is cheap labor and therefore they are used. With the help of the media, we would want to convey to all the establishment that using children for these kind of activities is a crime. In this month, 7 cases have been registered against people who have been employing children. And the labor department has fined almost 19 lakh rupees fine has been imposed on different establishments. Now, every year we rescue children, but unless and until we put them for education, the chances of the children to again go back into the same profession are large. So therefore, last time we had started with a small attempt of tying up and putting some few children. This time we have been much more successful. A special counseling session was held for all the parents whose children were going for labor work or any other kind of activity. And 31 parents who are here agreed to put these children into schools and hostels. हमारा एम ये है कि बच्चे को लेबर वर्क से मुक्ति मिले और वो लोग दोबारा इस काम के लिए ना जाएं. तो बच्चों को हम लोग दोबारा स्कूल में डाल रहे हैं. ये सब बच्चे जो आज यहाँ पे बैठे हैं, ये दोबारा एससी हॉस्टल्स, बीसी हॉस्टल्स, उनके कोऑर्डिनेशन से ये बच्चे अब दोबारा स्कूल जाएंगे. और एक बार रेजिडेंशियल स्कूल में ज़्यादातर जब जाएंगे तो हमें उम्मीद है कि वो अब दोबारा से इस एक्टिविटी में नहीं आएंगे. सो विद दैट एम वी हैव डन दिस एक्टिविटी टुडे. वी ऑल्सो वॉन्ट टू अपील टू द पब्लिक दैट इफ दे फाइंड एनी चाइल्ड हु इज इंडल्जिंग इन एनी काइंड ऑफ लेबर एक्टिविटी और इज बेगिंग, वी रिक्वेस्ट देम टू प्लीज डायल 100 एंड इन्फॉर्म अस सो दैट वी कैन रेस्क्यू दैट चाइल्ड एंड पुट देम टू स्कूल्स. बच्चों को भिक्षा नहीं, शिक्षा दीजिए. थैंक यू.